विजय सिंह की मौत के बाद परिजनों से मुलाकात करने पहुंची भाजपा की केंद्रीय टीम। आपको बता दें, जहानाबाद जिले के कल्पा गांव निवासी विजय सिंह की मौत पर भाजपा केंद्रीय टीम आज मृतक विजय सिंह के गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना जताई और पार्टी की तरफ से जितना मदद हो सके वो करने का आश्वासन दिया। जो विगत 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहित के मुद्दे पर शांतिपूर्ण मार्च, जो स्वार्थी गठबंधन के नेता माननीय श्री नीतीश जी और डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा, क्योंकि जांच कर्म के दरमियान ये पाया, जो हम लोग ने हॉस्पिटल में एडमिट है, जो हमारे कार्यकर्ता या फिर 200 लोग जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, उन लोग से भी पार्टी कार्यालय में हम लोग ने पूरी घटना की जानकारी दी और स्पॉट भी हम लोग गए। तो जो जानकारी मिली, डाक बंगला में जुलूस आने थे और HB मार्ग से के थ्रू आने चाहिए, लेकिन प्रशासन ने उस जुलूस को डाइवर्ट करके जहां मेट्रो बना रहे, गली बहुत संकरी थी, उसको डाइवर्ट करके जैसे ही जुलूस पहुंची, बिना पुलिस पानी छिड़काव किए सीधे लाठीचार्ज और अमूनन लाठी या प्रदर्शन में कभी होता है तो पहले पानी का छिड़काव होता है या फिर पुलिस, जब हमारा कार्यकर्ता उस बैरिकेड तक पहुंचा ही नहीं, उसके पहले से ही लाठीचार्ज शुरू और लाठी ऐसे मार रहे थे जैसे कोई आपराधिक घटना में रोग आ रहा है। राजनीतिक दल या हर जनता को संविधान ने अधिकार दिया। हमारे विजय सिंह जी ट्रेन से गए थे, जुलूस गांधी मैदान से निकलने थे, गांधी मैदान के जुलूस के साथ निकले, डाक बंगला पास जैसे ही पहुंचे, वहां प्रशासन ने फिर जुलूस को रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की कोशिश करने की, उसी बीच में हमारे विजय नारायण सिंह गिर गए और उनको सर में चोट लगी और स्वर में चोट लगने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई और इसका पोस्टमार्टम जांच हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। इसलिए पूरी सरकार, हत्यारी सरकार, इस हत्यारी सरकार के कारण ही विजय सिंह जैसे कार्यकर्ता आज हमारे बीच नहीं है।